हेलो एवरीवन, दिस इज़ सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप यामा FZ और यामा FZS दोनों में से कोई भी एक बाइक ख़रीदने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं आप कौन सा कलर ख़रीदना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मतलब ये दोनों बाइक्स में आपको कौन से कलर्स मिलते हैं, और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा आपको यामा FZ ख़रीदनी चाहिए या FZS ख़रीदनी चाहिए, और आपको मैं ये भी ओपिनियन दूंगा कि आपको कौन सा कलर ख़रीदना चाहिए। अगर आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप रॉयल मोटर कंपनी में आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा, अब हम सीधा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कॉल करके आप कोई भी सजेशन भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कलर्स। दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप देख रहे हैं हमारे सामने जो ओल्ड वाली यामा FZS वर्ल्ड 2 खड़ी हुई है, ये पहले आया करता था, अब ये कंपनी की तरफ से डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। पर ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं अभी भी कुछ शोरूम में ये मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये उसका डार्क नाइट एडिशन है जो पहले मिला करता था। फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी मैं लुक दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं, अब हम आपको दिखा रहे हैं यामा की FZ वर्जन 3। ये ओनली FZ है, ये इसका सबसे फर्स्ट कलर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको ये डार्क ब्लू कलर में ये मिल रहा है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको फ्रंट में मैट फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा, और आप देखेंगे इस पर आपको फ्रंट जो वाइज़र नहीं मिल रहा है, इसमें आपको ये ब्लू कलर के साथ कुछ इस तरह का मिलेगा। ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का आपको FZ लिखा हुआ मिल जाएगा, और नीचे आपको 3.0 लिखा हुआ मिलेगा। आप एक बार इसको आप ध्यान से भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका सेकेंड कलर दिखाता हूँ। इसके जो सेकेंड कलर की अगर हम बात करेंगे, वो हमें प्योर ब्लैक कलर में कुछ इस तरह का दिखेगा जैसे खड़े हैं। ये आपको किस तरह का लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पर आपको देख रहे जैसे कि क्रोम फिनिशिंग के साथ यामा मिल रहा है, और FZ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये भी इसका काफ़ी शान बढ़ाता है इस बाइक की। इसमें आपको ग्लोसी फिनिशिंग मिल जाती है। आप एक बार इसको आप थोड़ा सा दूर से भी देख सकते हैं आपको ये किस तरह का मिल जाएगा। फ्रंट में इसमें आपको देख रहे हैं शॉक अब्जॉर्बर्स है, वहाँ पर आपको यामा लिखा हुआ मिल जाएगा, और मैट फिनिशिंग के इसमें आपको इसके मिरर्स मिल जाएंगे। आप एक इसको देख सकते हैं। दोस्तों, यामा FZ के थर्ड और लास्ट कलर की बात करें, ये कुछ स्पेशल कलर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है वैसे ब्लू कलर में ही है ये भी, पर इसमें आपको कुछ स्टाइलिश ग्राफ मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रंट में आपको यामा का लोगो मिल रहा है, जो आपको वैसे तो सभी में मिल जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के आपको थोड़े से ग्राफिक्स में चेंज आएंगे, जो आपको बाकी दोनों कलर्स में नहीं मिल रहे हैं। इसमें आपको FZ कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिल जाएगा। वाइट कलर्स के ग्राफिक्स में काफ़ी शानदार लग रहा है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये किस तरह का लग रहा है। यहाँ पर आप जहाँ पर यामा है वहाँ पर भी आपको वाइट कलर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। आप एक बार इसकी दूसरी साइड से भी आप लुक देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से। दोस्तों, मैंने आपको यामा FZ के सारे कलर दिखा दिए, अब बारी है यामा FZS की वर्जन 3.0। तो चलिए स्टार्ट है, उसके कलर्स भी देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने यामा FZ का फर्स्ट कलर है। यामा FZ और FZS में जो एक ही हमारे को डिफरेंस लगा है, जो आप देख रहे हैं इसमें आपको क्रोम गार्निशिंग आपको टैंक के पास मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इसके तो थोड़े से साइड में मिल जाएंगे आपको फेक कुछ मिल जाएंगे एयर वेंट की तरह, पर वो असलियत में नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको ये सबसे फर्स्ट कलर ग्रेइश टाइप में मिल रहा है, और साथ में ब्लू कलर की थोड़ी सी आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी शानदार लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये किस तरह का लग रहा है। आपको एक बार हम दूसरी साइड से भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, आपको ये दूसरी साइड से भी कुछ इस तरह का लगेगा। नीचे आपको इसमें यामा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और आपको ये सभी बाइक्स में जो भी यामा की FZS है, ABS आपको इंक्लूडेड मिलेंगी सभी में, जो काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका हम आपको सेकंड कलर दिखाते हैं। तो सेकंड कलर हमारे पास कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ब्लूइश टाइप में कलर मिल जाएगा। इसमें आपको लगभग कलर इसमें भी आपको ग्रे कलर ही मिल रहा है, बस इसमें एडिड किया गया कलर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेम आपको क्रोम गार्निशिंग मिल जाएगी। आपको देख रहे हैं फ्रंट जो इसका हेडलैम्प है, उसके साथ आपको ब्लू कलर के कुछ ग्राफिक्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको टैंक पर भी ब्लू कलर में कुछ मिल जाएगा।
और आपको नीचे भी कुछ देख रहे हैं ब्लू कलर के साथ फिनिशिंग दी गई है जो इसको डिज़ाइन को और भी बाहर कर लाता है। दोस्तों अब है हमारे सामने यामा FZS का थर्ड और सबसे लास्ट कलर। ये कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं ये कुछ पर्पल टाइप का ये कलर है, ब्लू एंड पर्पल का ये मिक्सचर है। आप देख रहे हैं जैसे कि ब्लूइश पर्पल लग रहा है मुझे ये। इसमें आपको देख रहे हैं क्रोम फिनिशिंग वाले FZS के आपको स्टिकर मिल जाएंगे, और आप देख रहे हैं पीछे से में भी आपको मिल जाएंगे कुछ वही पर्पल कलर की आपको कलर के साथ फिनिशिंग वाले मिरर्स मिल जाएंगे, और क्रोम गार्निशिंग इसमें भी आपको जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको किस तरह का लगा आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो दोस्तों हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं एक बार इस बाइक के सभी कलर्स को फिर से। दोस्तों आप सभी कलर्स भी एक बार आप दूर से देख रहे हैं आपको किस तरह के लगे। इन सभी अगर बाइक की हम कलर्स की बात करें, अगर हम यामा FZ जो मुझे सबसे बढ़िया कलर लगा, जो मैंने आपको थर्ड वाला कलर दिखाया था यामा FZ का ब्लू कलर में जो स्टाइलिश ग्राफिक्स मिल रहे हैं, वो मेरा फेवरेट कलर है यामा की FZ में। और यामा की FZS में अगर हम बात करें तो मेरा जो फर्स्ट वन वाला कलर था वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब ये दोस्तों आपकी अपनी अपनी चाहिए, आपको किस तरह ने आपको ओपिनियन बताया। दोस्तों अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप यामा की FZS ही खरीदें, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा क्रोम गार्निशिंग कुछ ज़्यादा मिलेगी और आपको कुछ कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे और थोड़ा सा प्राइस में ऊपर नीचे होगा। दोस्तों अब इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। ये वीडियो आपको किस तरह हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अब दोस्तों हम इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।